उनके अमेठी वालों ने तो उनकी सांसदी पहले ले रखी थी, उनको घर से बेघर पहले कर रखा था जो दक्षिण के वायनाड से आए थे, और जैसा कर्म करेगा वैसा मिलेगा। बोए पेल बबूर का तो आम कहां से हो, और राहुल गांधी जी खुद को संविधान और कानून से पहले से ऊपर समझते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास की ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देते हैं, संसद में प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं और आंख मार देते हैं। असंसदीयता उनके संस्कार में है। जब भारत के बढ़ते असुगान से परेशान कांग्रेस और राहुल गांधी, आज मोदी जी विश्वनायक है, आज पूरे विश्व के लिए एक शांति और आशा की किरण है, कहीं ना कहीं समझ और समाधान की सूझ है कि पूरा विश्व आज मोदी जी पर मुद्रित है। राहुल जी की समझदारी भी विश्व में चर्चा का विषय है, और वो समझदारी इस तरह की है कि राहुल गांधी को हम लोग समझ पा रहे हैं, न देश समझ पा रहा है, न दुनिया समझ पा रही है, और उनके प्रवक्ता भी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको भी हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, समझ नहीं पाए। राहुल जी अपनी और देश की समझ है न देश के सांस्कृतिक स्वाभिमान की और लोकाचार की। आप देखिए राहुल गांधी जी के बहुत दिनों से एक रटा रटाया नारा दे रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे भाई, प्यार में परिवार, परिवार में प्यार मिलता है, और बाजार में व्यापार जो है बाजार में होता है, दुकान बाजार में खुलती है, लेकिन वो मोहब्बत और तिजारत का फर्क ही नहीं समझते हैं। तिजारत को ही मोहब्बत समझते हैं, चाहे तुम्हें बाजार का ही प्यार मिला हो, परिवार में प्यार नहीं मिला हो, इसलिए बाजारों चीजों को ज्यादा बेहतरीन समझते हैं। लेकिन यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो रस्म रिवाज है, यहाँ की जो रवायत है, यहाँ की जो खूबसूरती है, वो यहाँ का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक कोई भी नागरिक हो, किसी संप्रदाय से हो, वो भारतीयता की खुशबू से उत्प्रोत है, भारतीयता उसके अंदर है और वो भारत के स्वाभिमान के लिए खड़ा है। लेकिन राहुल गांधी जी की सदा संहिता देखिए, वो कहते हैं कि 80 के दशक में भारत में दलित भी सुरक्षित नहीं थे, मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं थे, और ईसाइयों का नरसंहार ही हुआ था। यानी को कहना चाहते हैं कि गलती से भी कांग्रेस पार्टी आई तो पूरे देश की दुर्दशा हो जाएगी। ये राहुल गांधी विदेश की धरती से खड़ा होकर के इस देश को, इन्हें दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस से लेकर जैसे लोग फंडिंग करना चाहते हैं और जो लोग मुद्दों से मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं वो हमें